हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल 100 मार्क्स बाय उमा में। और आज हम करने वाले हैं क्लास 9th के चैप्टर 2 पॉलीनोमियल के टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जामिनेशन में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी की। पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने वो है फैक्टराइज। आपको फैक्टराइज करना है स्टूडेंट्स। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। तो इसको फैक्टराइज कैसे करना है आप ध्यान से देखो। एक्स स्क्वायर के आगे जो कोफिशियंट होता है उसको हम कुछ नहीं नंबर दिया होता था, हम 1 मानते हैं उसको। 1 को आपको 12 से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज सी, यानी कि लास्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करना है आपको। तो आपके पास आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 12। तो ऐसे दो नंबर आप जो है सोचो जिसको मल्टीप्लाई करने से 12 आता हो एंड उनको प्लस माइनस करने से 7 आ जाए। तो होप्स तो आपने नंबर सोच लिए होंगे 3 मल्टीप्लाई 4 करने पे 12 आएगा एंड उन दोनों को प्लस करने पे 7 आएगा। तो आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है 3x माइनस 4x। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपने जो दो नंबर सोचे हैं उनको हमें किस तरीके से लिखना है। आपको इस तरीके से लिखना है कि माइनस 3x माइनस 4x, आप जो इसको सॉल्व करोगे ये आपका माइनस का 7x बन जाए। अगर सपोज करो यहाँ पे प्लस 7x होता तो आप इन दोनों नंबर्स को प्लस का लेते। तो होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। डिपेंड करता है कि हमारे पास मिडिल टर्म में क्या है, इसलिए इसको मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड भी कहते हैं। अब आपको सेकंड जो नेक्स्ट स्टेप है आपका, इसमें कॉमन लेना है आपको x। आप इसमें कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पर आपका x बच जाएगा, यहाँ पे आपका माइनस 3 बचेगा। अगेन आपको इन दोनों टर्म में भी कॉमन लेना है। यहाँ पे आपका 4 का टेबल कॉमन आ रहा है, तो अगर आप 4 कॉमन लेते हो यहाँ पे आपको माइनस का 4 कॉमन लेना पड़ेगा, जिससे कि ये माइनस वाला प्लस बन जाए और ये प्लस वाला माइनस बन जाए। 4 के टेबल में जो है 12 कब आता है 3 पे। तो होप एंड अब ये दोनों टर्म जो है वो सेम हो गई हैं। तो इसका मतलब कि आप स्टूडेंट एकदम ठीक कर रहे हो इस क्वेश्चन को। अगर ये सेम नहीं आता है तो आप समझ जाना कि ये जो क्वेश्चन है वो गलत कर रहे हो आप। अब जो आपका ये नंबर सेम आ रहा है इसको आप कॉमन ले लो, तो बचेगा कि आपके पास x माइनस 4 एंड ये आपका जो है फैक्टराइज हो गया है। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एंड यहाँ पर जो इक्वेशन है वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एंड इसको हमने जो है स्प्लिट किया है मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से, इसको फैक्टराइज करा है। तो हमारे पास आया x माइनस 3 एंड x माइनस 4 आया है। एंड उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया हो। तो स्टूडेंट्स अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1st का सेकंड पार्ट। अगेन यहाँ पे आपको फैक्टराइज ही करना है, बट यहाँ पे जो टर्म है थोड़ी अलग है। यहाँ पर बोला हुआ है 27y³ प्लस 125z³। आपको इसको फैक्टराइज करना है, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा ये 27 जो है वो किसका क्यूब होता है, क्योंकि फॉर्मूला a के क्यूब प्लस b के क्यूब होता है और होल क्यूब होता है। यहाँ पर होल क्यूब नहीं है स्टूडेंट्स, तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है। तो 27 3 का क्यूब होता है, इसको हम 3y का होल क्यूब लिख देंगे, प्लस में 125 किसका क्यूब होता है 5 का, एंड यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 5z का होल क्यूब। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला बन रहा है वो बन रहा है a की क्यूब प्लस b की क्यूब का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला है a प्लस b ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स। एंड ये फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा। यहाँ पर a कंपेयर करो तो आपको मिल जाएगा 3y एंड यहाँ b कंपेयर करोगे तो आ जाएगा आपके पास b 5z। अब इस a और b की वैल्यू आपको राइट साइड में पुट करनी है, क्योंकि आपको ये जो फॉर्म दे रखी है वो लेफ्ट साइड की दे रखी है। तो लेफ्ट साइड की फॉर्म दे रखी होती है तो राइट में पुट करना होता है, राइट की अगर फॉर्म दे रखी होती है तो लेफ्ट में पुट करना होता है स्टूडेंट्स। तो इस बात का आप खास ध्यान रखना। अब हमें जस्ट इसके अंदर वैल्यू को पुट करना है एंड कुछ नहीं करना है। तो ये हो जाएगा 3y प्लस 5z एंड यहाँ पे हो जाएगा 3y का होल स्क्वायर प्लस 5z का होल स्क्वायर माइनस 3y मल्टीप्लाई 5z। अब इसको जो है आपको एज इट इज लिखना है 3y प्लस 5z को। 3y का होल स्क्वायर क्या होता है 9y का स्क्वायर प्लस 5z का
25 जेड स्क्वायर माइनस 3 फाइव ज़ा 15 वाई जेड का वाई जेड, एंड ये आपका आंसर आ चुका है 3y प्लस 5z 9y का स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर माइनस 15yz। एंड उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन, एंड इसके जैसा ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में याद रखना, बिल्कुल एज इट इज आने के चांस थोड़े कम होते हैं, बट हाँ यहाँ पे डिजिट चेंज कर देगा, यहाँ पे 64y क्यूब कर देगा एंड यहाँ पर 512z क्यूब कर देगा, और y और z की जगह पे भी वो कुछ डिजिट चेंज कर सकता है, लाइक x लिख देगा y की जगह पे, z की जगह पे L लिख देगा या M लिख देगा, वो वट एवर वो रखना चाहता हो चेंज कर देगा। CBSE थोड़ा बहुत क्वेश्चन चेंज करेगी जो भी हम टॉप 5 क्वेश्चंस अपनी सीरीज में कर रहे हैं, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि 100% सेम नहीं आने वाला, बट हाँ इसके जैसा ही एग्ज़ाम में आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया हो। तो स्टूडेंट्स अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है। इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एस इज इक्वल टू 11, आपको ये दो चीज़ें गिवन है एंड बोल रहा है आपसे वो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। दिस इज आवर सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ पॉलिनोमियल एंड लेट्स डू इट। हमें सबसे पहले जो गिवन है उसका यूज़ करते हैं, हमारे पास है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, आपको करना है टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, तो ये आपका हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर एंड इधर हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर। यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2CA इज इक्वल टू 36 एंड एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज रहेगा प्लस जेड स्क्वायर भी एज इट इज रहेगा, प्लस में आपको यहाँ पर कॉमन ले लेना है 2, तो आ जाएगा आपका एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स एंड इज इक्वल टू 36 एंड यहाँ पर अगेन ये सेम रहेगा क्योंकि इसी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, प्लस में 2, इस पूरे की वैल्यू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पर 11, तो आप इसकी जगह लिख दोगे 11 इज इक्वल टू 36। अब हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और 2 को 11 से मल्टीप्लाई करो 22 इज इक्वल टू 36। अब ये 22 जो है प्लस का उधर जाकर माइनस हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 14। लेट्स राइट इट, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 22 इज इक्वल टू 14 आंसर। तो आपका जो है आंसर आ चुका है 14, ये है आपके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स अब हम करने वाले हैं आज का थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं हमसे। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। px हमारे पास ये गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, इसमें क्वेश्चन में पहले से ही बता रखा है कि ये जो x माइनस 1 है ये फैक्टर है, तो इसका मतलब क्या है कि ये आपको जो है जी एक्स पता चल गया है। अब आपको करना है क्या है, इस जी एक्स को 0 के बराबर लिखना है, और जी एक्स हमारे पास गिवन है एक्स माइनस 1, तो जब हम इसको 0 के बराबर लिखेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास यहाँ पर 1। अब इस 1 को आप यहाँ पुट करोगे px के अंदर तो आपका आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k एंड इसको हम 0 के बराबर लिखेंगे। रीज़न है कि आपको यहाँ पे फैक्टर पहले से ही बता रखा है, तो यहाँ पे आपको प्रूफ नहीं करना है, ऑलरेडी गिवन है ये चीज़ आपको कि ये फैक्टर है, दैट्स वाई हमने क्या करा है 0 के बराबर लिख दिया इसको। अब 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस 1 प्लस के इज इक्वल टू 0, 1 और 1 2 हो जाएगा प्लस के एज इट इज इक्वल टू 0, प्लस का 2 है दूसरी साइड जाकर हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर आपका जो है आंसर आ चुका है, वैल्यू ऑफ के है आपके पास माइनस 2।
एंड ऐसे जो है क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बट यहाँ पे डिजिट चेंज कर देगा वो ऑब्वियस सी बात है, एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स क्यूब कर देगा, प्लस एक्स की जगह पे 4x कर देगा एंड प्लस के की जगह पे 3k कर देगा। तो थोड़ा बहुत जो है वो हेर फेर कर सकता है सीबीएसई इन क्वेश्चंस में, बट बहुत ज़्यादा चांस है, 99% चांस है कि ये आपके एग्ज़ाम में आना ही आना है। तो स्टूडेंट्स अब हम करने वाले हैं आज का फोर्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। कह रहा है इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, मतलब कि आपको इसको सॉल्व तो करना है लेकिन आपको मल्टीप्लाई का सहारा नहीं लेना है, लाइक आपको ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना है जो आप ये बचपन में करते थे, इसको आपको यूज़ नहीं करना है वरना आपको जो सीबीएसई मार्क्स नहीं मिलने वाले इसके अंदर। तो देखते हैं इसको किस तरीके से करना है हमें। पहले आपको इसको ब्रेक डाउन करना है कुछ इस तरीके से कि 103 आ जाए एंड मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर आपको करना है 100 प्लस 7, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास जो है 100 प्लस 3 आ गया है एंड 100 प्लस 7 आ गया है, तो आपको एक ऐसी आइडेंटिटी का यूज़ करना है जिसके अंदर जो फर्स्ट टर्म है वो सेम हो। यहाँ पर आपका जो है 100 है एंड यहाँ पर भी 100 है, एंड इसके अंदर जो है एक बार अगेन मैं इसको लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे फॉर्मूला आपका कौन सा लग रहा है, एक्स प्लस ए एंड एक्स प्लस बी। ये फॉर्मूला मुझे कैसे पता चला लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी x है एंड यहाँ पर भी x है, एंड यहाँ पर 100 है एंड यहाँ पर भी 100 है, ये दोनों टर्म सेम है एंड ये दोनों टर्म डिफरेंट है, और यहाँ पर भी हमारे पास ये दोनों टर्म डिफरेंट है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई आपकी 100 एंड a की वैल्यू कंपेयर करने पे आ जाएगी आपके पास 3 एंड b की वैल्यू आ गई आपके पास 7। तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी। तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि आपको ये LHS दे रखा है तो आपको RHS के अंदर पुट करना होता है, बस आपको यहाँ से वैल्यू उठा के x की a की एंड b की यहाँ पुट करनी है बस, एंड आपका आंसर आ जाएगा। x की जगह पे लिखना है आपको 100 का स्क्वायर प्लस a की जगह पे आपको लिखना है 3 प्लस b की जगह पर 7, x की जगह पे 100 एंड 3 मल्टीप्लाई 7। 100 का स्क्वायर 1 2 3 4, दो जीरो हैं तो 4 जीरो लगा दो, 3 होंगी तो 6 लगा देनी है, एंड 3 प्लस 7 10 मल्टीप्लाई 100 प्लस 21। अगेन इसको जो है हम यहाँ पर क्लियरिटी के साथ लिख लेते हैं, 10,000 प्लस 100 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 1000 प्लस 21। अब इसको प्लस कर लो आप तो ये आ जाएगा 11,021। तो ये आपका आंसर आ चुका है। तो माय डियर स्टूडेंट अब हम करने वाले हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th, जो कि आपके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलीनोमियल इज डिवाइडेड बाय दिस। यहाँ पे आपको ये डिवाइजर दे रखा है डिवाइडेड बाय, यानी कि आपको पता होगा आपने फर्स्ट सेकेंड क्लास में सीखा था, इसे डिवाइजर कहते हैं एंड इसको डिविडेंड कहते हैं। तो जब जो जिससे भी हम डिवाइड करते हैं उसको हम डिवाइजर कहते हैं, दिस इज गिवन। तो हमें डिवाइजर पता चल चुका है, जो आपका डिवाइजर होगा उसको हम जी एक्स कहते हैं। तो जी एक्स को आपको जीरो के बराबर लिखना है, तो एक्स माइनस ए को हम जीरो के बराबर लिखेंगे, एंड हमें सबसे पहला काम है हमारा वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करने का। तो वैल्यू ऑफ एक्स हमारे पास आ चुकी है, हमारे पास एक्स की वैल्यू जो आई है वो ए है, एंड हमें करना है क्या है, पॉलीनोमियल के अंदर इसको जस्ट पुट कर देना है। तो हमारे पास जो पॉलीनोमियल है वो है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए। यहाँ पर आपको जहाँ पे भी x दिख रहा है ना उसकी जगह पे आपको a लिख लेना है, a का क्यूब माइनस a, x की जगह पे अगेन आपको a लिखना है प्लस 6, x की जगह पे a माइनस a, x यहाँ पे आ जाएगा एज इट इज। यहाँ पे पावर ऐड हो जाती है जब बेस सेम होता है, तो a की क्यूब प्लस 6 a में से यहाँ कुछ नहीं है 1 मानते हैं, 6 a में से 1 a गया 5a, एंड ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस प्लस, तो आपका जो रिमाइंडर है वो आ जाएगा 5a।
एंड माई डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कर देना एंड लाइक कर देना एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको नेक्स्ट 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से चैप्टर पे चाहिए। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। गुड बाय, टेक केयर।